शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहां मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे, कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स, लाइफ इज लाइक दैट, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर, उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। सो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूं, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूं। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे हमेशा उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है। पांच सौ करोड़ पूरे अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को उसके। अच्छा एक काम करते हैं, दो मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये अनुराग को पता नहीं है दो मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूं जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल है, तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में इतनी पब्लिक, इतना क्या क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह मैंने कहा था ना देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। यस ऑफ कोर्स, इट फेल्ट अमेजिंग। यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ, बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, स्पेशली आई थिंक व्हाट द वर्ल्ड हैज बीन थ्रू, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration, it almost feels like a festival ki kuch tyohar hai. Yes. And the fact that we've been able to this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. And most importantly, jaise maine kaha, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. Kya baat hai Deepika, abhi kis baat mein aap emotional ho gayi thi, zara bataiye kaise ye khushi ke aansu kis baat ke the, are kaun si baat lag gayi aapko, please share kijiye, are ye zaruri hai, hazaron log jana cha rahe hain, koi si baat to aapke dil ko touch ki, bolo na। मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी तो उफ, लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना। यस, तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए कैसी रही ओवरऑल, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो, प्यार होता है, अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री, इस बार कुछ अलग था और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? क्या
I think it was interesting that we got to do that. You still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year or now, or even Love Mera Hit Hit, that one song that we I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, mujhe kuch nahi pata tha. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace, he's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen and you see these amazing characters and this amazing chemistry. Kya baat hai. Aur Deepika ko pata tha jab wo bolegi na Deepika ko Deepika 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 Deepika. Okay, bas ab main hi lunga uska naam, please. thank you guys. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास. He knows deep down inside. And I just want to mention a small thing here. Sorry, I don't mean to take away time of everyone on stage. लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज थी. आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. सिद को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ. इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी है, ममता. John, like I said, I've known Deepika. But I'll tell you what I felt on the set, because I was coming on the sets after many years, a couple of years or more than that. And every shot that we've given, even before we've walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, sabko har roz sirf ek hi baat dil mein aati thi. कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी हो. और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती. जस्ट क्लैरिफाइंग, ऐसा कभी गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए. बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे ना, भाई बहन ना लोग समझने लगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा. बट एवरीबडी एल्स आई नो हैज फेल्ट दिस. आई कुड फील इट एवरी डे, वेदर आई वॉज वर्किंग विद इवन सम फॉरेन टेक्नीशियंस, समहाउ दे ऑल्सो रियलाइज. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल for all the love all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. Aisa nahi hai ki Shah Rukh Khan bada acha bolta hai stage pe to confident hi hoga. I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going, because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people, all of them gave me lot of strength and love. Aap kya karte hain motivation ke liye? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर. लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूं. जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, टंग 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 टंग. अच्छा सिड, यू कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम. आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे. सिद्धार्थ आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगली फिल्म में आपको. जी समझ रहे हैं ना आप. ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं. सबसे पहली बात तो जितने लोग यहां मौजूद हैं इन सबकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए. सबसे हाईएस्ट फास्ट मतलब फास्ट 200 करोड़ इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. 250 करोड़ जोरदार ताली होनी चाहिए. और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए.
जिनका कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था, हाय मेरे पड़ोस में तीन चार कन्याएं बैठी थी, तो बोले अरे देखो ना, तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे, क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ नहीं आपसे जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में व्हाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है केसी क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी सारे जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ आई थिंक, एंड द वे शाहरुख एंड दीपिका ऑल्सो हैव बीन स्टाइल्ड बाय शलीना, आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक क्रेडिट टू ऑल दीज पीपल फॉर मेकिंग द फिल्म लुक सो गुड। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक मौका है मेरे पास। आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख। नहीं मैं जॉन, इफ यू डू मोर इंटरव्यूज देन यू कैन से मोर थैंक यूज। सो आई जस्ट आई वॉन्ट टू से वन थिंग विच आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो, बिकॉज मैं छः साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, सो इट शुड नॉट साउंड पेट्रनाइजिंग बट आई एम टॉकिंग एज एन ऑडियंस, आई जेन्युइनली फील, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं। बट आई रियली डू बिलीव द बैकबोन ऑफ पठान एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एसेइंग दैट रोल, द बेस्ट थिंग इन पठान इज जिम प्लेड बाई जॉन। दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है, निकर बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है। एंड यू नो टू प्ले अ बैड गाय हु इज सो, नॉर्मली बैड गाइज जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें बना रहते हैं, बट टू बी राइटली बैड एंड टू जस्ट टेक अ सिनिकल व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody ki mujhe gina chuna hi action aata hai, main bahut koshish karta hu, mehnat karta hu, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. Ye bar bar rehearsal karte the to mujhe aisa lagta tha ki ye seekhna chahta hai. 3 din ke baad mujhe samajh mein aaya ki he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. Siddharth, matlab that's the romance. That's the real romance. Bromance. है कहीं पर लेकिन धार भेज रहे हैं। अच्छा, जस्ट वन करेक्शन, शाहरुख खान इज नॉट बैक, ही हैज जस्ट गॉन फॉर अ नो ब्रेक। सिद्धार्थ, आप तो नंबर वन डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जरूर तालियां चाहिए। आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं वो आप बोल सकती हैं। देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, एक्चुअली सुना नहीं दे मुझे। नंबर वन हीरो ने क्या बोला है? नंबर वन हीरो ने बोला कि आपको पेट नेम बोला है। हाँ जी, क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको। बहुत प्यार से मुझे नंबर वन डायरेक्टर बोलते हैं। तो नंबर वन डायरेक्टर, प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था जी, ये बहुत ही यूनिक था और आई थिंक हिंदू, ये मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के भाई इस फिल्म में? भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी। तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहां पर जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है,
कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2-3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इम्पोर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं. एक्शन बड़ा तो होगा, बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया. काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं. वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद. एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में. क्या बात, स्क्रिप्टिंग यस एक्शन में पहली बार शायद हिंदुस्तान के. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल, बिकॉज ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाई हैं, स्पेशली सिद्धार्थ एंड जॉन, ज़्यादा बातें नहीं करते. बट ऑनेस्टली स्पेशली विद दीपिका एंड माई सेल्फ एंड जॉन ऑल्सो, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं. आई थिंक ही इज एंड एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं. इट नेवर लुक्स लाइक, बिकॉज वेन यू आर डूइंग स्टंट्स विच वी हैवंट डन एंड वी हैव we are scared to do it first time after rehearsal also, to dar to lagta hi hai, lekin the way Siddharth keeps the atmosphere, you become so relaxed on the sets. I know John is used to doing it, maybe Deepika and myself have done this level first time, but the way Siddharth treated us on the set, usse aisa lagta hai ki yaar ha ye hum bada aaram se kar lenge. Even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think his biggest, of course he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director, but the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic, jo atmosphere set pe karte hain. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets, ki action ko kis tarah se ye treat karte hain with goodness and happiness on the set. Kya baat hai, bahut badi baat boli hai. सक्सेस हमेशा सफलता जो होती है कई लोगों के दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे जो दौड़ते नहीं है, सिर्फ अपना काम करते हैं. मैंने अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना ही बात, क्या भूख है भाई, ये ऐसा लगता है कि यार और काम करना है. ऐसा नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूं. प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना. आई एम द बेस्ट. वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है. शाहरुख नई बात कीजिए, आप शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट. नहीं मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. सुबह यही सोच सोच कर हमको उठना है. yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे. अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. सो यू हैव टू जंप द हाइएस्ट. You have to believe in the morning, in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. And success ke piche bahut log hote hain, aur aaj hum genuinely mein, it should not become boring because we are entertainers. But there's so many people to thank, like John talked about so many people, Shalina. And the teams, and I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this, Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they've worked so hard on each one of us. And kyunki na unit bahut chota tha, kyunki COVID mein film shoot hui hai, we kept it very small, so it became very very important. Jo hamare log hain, they enjoy the film as much. They're not just working on a film, and I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people, because iske both Hollywood type log hain saath mein, to unke naam yaad nahi rahe. Half our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yani Sapatori, who's also I've been working with now for the last many, many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal,
who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Pina, Jaya. It's endless, guys. It's a long, long list of people. But I think the point being that... Sorry. Hmm? No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie, you always sit and wait till the credits are over. Because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit. Everyone's saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. Kya baat. Also, Meenakshi, Venki, Peru, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. She, first day she wore a t-shirt for him. You're my favorite. So I was like, and she was blushing. She said, you destroyed my idea of romance. Because, and he smiled with his two dimples and she just nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना. यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं. कहते हैं ना, एक और एक दो बने तो क्या बने, एक और एक 11 बने तो सब कुछ बने. ऐसे ही ऐसे बोल दिया. आई मीन बहुत अच्छी लाइन है. थैंक यू. वेल डन. बोल दिया रात भर प्रिपेयर की थी ना. अभी निकल गया जी. As a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. Kya ba? Kiska? Acha. Dekhiye, mere paas questions lagatar aa rahe hain yahan par, aur jo bhi question ho please aap dete rahiye, kyunki waqt hamare paas bahut zyada hai. Ghabraiyega mat. आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस देते रहिएगा. मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख में वही से पूछ रहा हूँ लगातार. जॉन, एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा, कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज के ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने. Because he's so good in action, so flexible, और जिस confidence के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि hit me, and I said no, और मैंने कहा actually I said you're the national treasure of the country, I can't hit you, so because क्योंकि मुझे डर लग रहा था if there is some slight contact also there must be I think about शायद 100 crore शाहरुख खान fans. So, but all in all, he was fantastic in action, or very, very confident, very confident, brilliant. So, action superstar ko dekhte hue kaisa laga aapko? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated right. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action.
and he does it so well. And it does, you know, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind of like, just his space and surroundings is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है शाहरुख क्या खाते हैं आप ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है मेरा पास्ता इसका मेरा पास्ता जॉन एक पास्ता बनाता है अच्छा और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं मैं सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे बहुत ही अलग सा टेस्ट है अच्छा हाँ ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा और निकाल के चबाना शुरू कर दिया बहुत ही अलग सा है And that's all he eats. That's all he eats. Pasta, 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 cardboard, cardboard, cardboard. That's all. Siddharth, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे लेकिन पहली बार मैं देखा था मुझे दो या तीन सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूँ क्योंकि इतना बढ़िया चीज चल रहा था इतनी बढ़िया सिक्वेंस है तो अब क्या है मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद जी बॉलीवुड में हाँ बता दीजिए अरे बता दीजिए पठान आई है पठान हिट हुई है तो उसके बाद क्या बनाएंगे अरे इंशाल्लाह शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे जनता कुछ कह रही है नहीं नहीं ऑफ कोर्स यार इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस मैंने जैसे बोला मैं आज थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हूं बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन है ये मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए मेरे घर वालों के लिए मेरे दोस्तों के लिए क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर फिल्म कलाकारों की जिंदगी उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या सारी फैमिलीज जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें अलायदा रखना चाहें लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं दे गेट टुगेदर सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स बट गुड डेज परमिएट इन टू आर फैमिलीज एंड आई एम वेरी हैप्पी So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi. And you see, these are my co-actors and friends. So took opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better. Aur is baar main baal yahan tak ugalunga. And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes. As a director and Adi producers and all the writers and ki hum khare utre see actually because hame maloom hai Siddharth jo hain bahut pyare insaan hain prem se hum in sab ko hum inhe bolo main gana gaata hu ji ji loli loli hum sab ka dil tujh pe aaya loli main chal jata kahin pe lekin loli ke sath kuch rhyme nahi kiya So I just want to say thank you to him for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best if they ever want to make a sequel with me. It will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. Pathaan film 100 crore ke lagbhag hone ja rahi hai, and jitne log yahan par maujood hain, sab ne messages bheje hain. Bahut sare calls aa rahe hain. 100 crore ek theater mein bol rahe ho? ओके सिद्धार्थ तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं कूल रहते हैं फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में ये इतने फैन क्लब ये मेरे को मैं जब 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 अभी गाने लग गया था आई थिंक टू बी ऑनेस्ट वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से मतलब काफ़ी सालों से एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें या मैं लायक नहीं था
इनके साथ काम करने के, तब लायक तो अभी भी नहीं है बेटा। We'll talk. तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई। और मेरा एक हर फिल्मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं। एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म, एवरी फिल्मेकर हैज टू अर्न इट। एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू डायरेक्ट शाहरुख खान। नाउ पिक्चर बनने लगी, लाइक आई सेड मेरे पास कभी कभी बाय गॉड्स ग्रेस मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था, मुझे कुछ टेंशन नहीं थी, आई हैड नथिंग टू लूज। इतना इन्वेस्टेड हूँ मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में। तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक, बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट अ फिल्म मेकर, आई थिंक दिस इज गोज आउट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु डायरेक्ट हिम, बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइक क्ले, इनको आप जो बोलो वो करेंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ फेथ इन यू, ही ट्रस्ट द डायरेक्टर सो मच। सो थ्रू दैट आई रियलाइज दैट इफ बाय एनी चांस अ शाहरुख खान फिल्म डजंट परफॉर्म वेल, इट इज ओनली द डायरेक्टर दैट हैज फेल्ड हिम, नॉट हिम, बिकॉज ही हैज गिवन एवरीथिंग दैट यू आस्क्ड फॉर। ट्रू ट्रू, क्या बात है। So, 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाहरुख खान फिल्म बिकॉज ऑफ हिज फैन क्लब्स, आई जस्ट रियलाइज वो उनसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इसको बदल के हम कर रहे हैं वोट फॉर। I fucking forgot what I was saying. It's a responsibility. Yeah, so it's a, like I said, it's a responsibility, and I realized इनके fan clubs इतने इतना प्यार करते हैं और कितना कितने बड़े fan clubs हैं। वो देखिए, तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है, and I think अब मैं relieved हूँ, मेरे पास emotion ही नहीं बचा है कुछ, I think. इतना डर इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान, एंड सब ने हमें सपोर्ट किया और सब बड़े बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू, और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना चुकूं। क्या बात है। शाहरुख, यशराज फिल्म ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए, ये वाकई बहुत यूनिक है, और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोर आता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एक था टाइगर की, भाई थर्ड ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इतना जो प्यार दिया यशराज फिल्म्स ने, तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरों प्रोडक्शन में काम करते हो, यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव, हमने डर से शुरुआत की, आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं, और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एज फिल्म मेकर्स एज अ टीम विच इज यशराज, नो गट्स नो ग्लोरी, एंड सम ऑफ द बिगेस्ट गट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्ट बिलीव, चाहे वो अहेड ऑफ इट्स टाइम लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी, मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ, पर आई कैन टेल यू ऑनेस्टली देर हैव बीन सम to me one of the greatest films they've made with me which did not do well at all
is fan to take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yashji and Adi and Rani and Uday and Pam Aunty and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and Take a Chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here. Some of the team members are here. People who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to... I tell this to everybody. I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. यशराज हमने दो फिल्मों का और नाम लिया यशराज फिल्म्स के दौरान ही. तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं. पठान तो मुझे लगता है कि 1,000-2,000 करोड़ हो गए. जी हाँ, 2,000 करोड़ तो होगी. तो मतलब समझे वाली बात है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप एग्जैक्टली, क्या मनस्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त. हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेंसडे को ही. तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का एक नॉर्मल डे है. अभी हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा. बट मालूम है और करोड़ आ गए. क्वेश्चन आ रहे हैं सर, क्वेश्चन आ रहे हैं इनके दिमाग में. एक और क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा फेंको. सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है. तो हम सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की. लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को ख़राब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं. और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं. सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस. ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है. मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूं सबको मालूम है मैं रो रहा हूं वहां पर. मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द यू नो कैप्टन ऑफ द शिप. He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down, when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just six people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made, thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands बहुत सारे होंगे, और उन सबकी जिंदगी के और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. एंड द एल्डेस्ट इन देम और द सीनियर मोस्ट लाइक माई सेल्फ नाउ यशराज और सिड इन दिस केस, वी ऑल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, फील वेरी गिल्टी वी लेट द ऑडियंस डाउन. एंड इन संडे वी हैव टू पुल अप अ सॉक्स एंड से कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे. तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को इंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और सी यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट यू शुड नॉट मेक फिल्म्स, दिस इज व्हाट आई बिलीव. इफ यू कांट डू दैट देन यू वर्क हार्ड ऑन मंडे. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और जबरदस्त आने वाली है, ये वादा है.
दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में बहुत आप आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशराज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. नो, नॉट रियली. आई मीन, एवरी सीन रिक्वायर्स अ डिफरेंट इमोशन. सो वेदर यू आर डूइंग रोमांस, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स एक्शन. But I don't think many people know that I love doing action, and I have been underutilized in doing action. because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action, and like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's two people or more, then you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful, you have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात करूँ कि जब ये action की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. I don't know if many people have seen it. I think वो trailer में भी है. एक आदमी के ये लिपट कर, घुमा कर, उसको नीचे गिरा के, उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं. मेरे साथ ऐसा कर ले. बस इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो, I'm jealous of that guy कि यार इतना, इतने करीब से, इतनी खूबसूरती से, और उसके ऊपर बैठ के मैं तो कहूँ और मार और मार और मार. मैं तो I think it's one of the if I may say so and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. It's wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर हैं, ऋतिक नहीं है. ऋतिक इज द रोमांटिक लीड. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is Deepika. मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. Fighter. Deepika Padukone in and as fighter. John fighter की बात कर रहे हैं, fight की बात कर रहे हैं. तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है, और यशराज ने जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म, तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सिक्वेंस थे. इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है? I think Jim is cool. He's उसे रहा नहीं जा रहा. दीपिका को तो मैंने बहुत किया है. जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ. So sweet. Hey, फोटो नहीं आया. मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता. जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है. हम आराम से बाद में करेंगे. For the first time, I think I am blushing. Huh? No, I think, I forgot 2-3 people to thank. तो शाहरुख के किस ने पता नहीं क्या कर दिया मुझे. अभी जॉन, हाँ, अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज करेगा. अभी फेस वॉश यूज नहीं करेगा. मैं आई लाइक टू ऑल्सो थैंक हुसैनी, मेरनोश और हमारी जो पूरी टीम, VFX की टीम, और प्रसाद, गणेश. यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच लग रहा है मेरे को ऑस्कर का. नहीं, सबको. और निशित जो हमारे DA है बेचारा, आई मीन, वाज इन द डबिंग एंड ही वाज, बट योर किस वाज द बेस्ट. हाँ, जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. जिम जो कैरेक्टर मिला आपको, तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? Well, I think instructions बहुत सिंपल थे. He has to be very cool. He can't play villain like a villain, and he has to be smart and intelligent. So I think all credit to the director and the writer for actually projecting the character. Because I always believe an actor is like a horse.
द डायरेक्टर इज लाइक अ जॉकी. अगर आप घोड़े को ऑपोजिट डायरेक्शन में भगाओगे ना, वो भागेगा. सो यू आर एज गुड अ बैड एज योर डायरेक्टर. दैट्स व्हाट आई बिलीव वेरी ऑनेस्टली, अनलेस यू शाहरुख खान. सो आई थिंक सिद्धार्थ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई रियली थैंक यू फॉर प्रोजेक्टिंग मी सो वेल. थैंक यू. Thank you. Hello, Sam. Siddharth, what's that line when Ashutosh ji calls him, you're a monster? Kya bolta hai John us waqt, exact one? You're a monster. Jab wo threat when he tells him and he's on the John says. Haan. He says. Mujhe pata nahi tha. What was it? Ab kya kare? Haan. Well, no. Haan. Oh, ye toh maine socha nahi. I think the best line in the film is Ashutosh ji bolte hai usko ki, you are a monster. But, oh, ye toh maine socha hi nahi tha. I think. It is the coolest line in the film. Oh, ye to maine ab kya kare? He says that you will be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the oh. Sochenge ab kya kare? That is one of the best thing, best line in the film. 500 crore ki baatein chal rahi hai aur Pathan Hindustan ki sabse badi film ho chuki hai aur announcement ho chuka hai, sabka pyar hai. Lekin Shahrukh, maine suna aisa ki Adi Chopra se aapki bahut pehle baat hui thi ek. और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले आ गई. तो ये क्या था, अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना, कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी हम डर शूट कर रहे थे जी. हम रात को पैमांटी, मैं, उदय, जूही, आदि, हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे बैकअप के बाद. एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी. ही वॉज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज अ वेरी गुड माइंड एंड वी यूज्ड टू बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट. सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा. तो ऑन हिज बर्थडे ही सेड तू पिक्चर करेगा? आई शुड लव टू डू इट. एंड देन ही नरेटेड दिस कि मैं एक्शन हीरो हूँ बिकॉज मैं डर कर रहा था और मे बी व्हाटएवर. ही सेड कि नो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा. मैं इतना एक्साइटेड हो गया. फिर दो चार साल बीत गए, दो से डेढ़ साल बीत गए, डर चल गई. उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा था, से मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए. मैं कहा जा यार, बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था. एंड आई रियली वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो ऑनेस्टली. मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो. ये मेरे को पोस्टर चाहिए था. तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूँ, पहले गोली मारूँ. हाँ, मुझसे कहें हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करूँ गोली मारने के बाद. तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन. सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन. हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. मैं वायलेंस 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 आई डोंट लाइक वायलेंस. बट आई रियली वॉन्टेड टू प्ले एन एक्शन हीरो एंड देन ही केम एंड नरेटेड टू मी दिस फिल्म. एंड मैं बड़ा एक्साइटेड महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ. एंड उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना. तो मैं ये क्या है फिर, इसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा. मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकंड हाफ में होगा. इन तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर. मैं बाऊजी ठीक कहते हैं, बाऊजी ठीक कहते हैं, बाऊजी ठीक कहते हैं, बाऊजी की ऐसी तैसी, बाऊजी को मार पा यार. यार बाऊजी भी ठीक कह रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँगा पिक्चर के अंदर. मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया. मैं यश जी को फोन किया, मैं इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था मेरे साथ, औजार, लोहार, पत्थर, हथौड़ा, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था. फिर ऐसा चलता रहा. फिर उसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा. फिर हमने दिलवाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी. उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी. फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्में मेरे साथ बनाता रहा और एक्शन फिल्म बनाई नहीं. अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तीन चार साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई. मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले. फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सेड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है. दूसरा उसने मुझे ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया. फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है. फिर झूठ बोल रहा है ये. ये झूठ बोल रहा है ये. इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. और ये झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा. सो आई रियली 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 थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है. और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में और वहीं पठान भी चल रही है.
उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। आए आए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ। तो आई होप ही टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप सिट टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप जॉन वर्क्स विद मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, एंड दीपिका तो मैंने बताया वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह वाह। अरे ये गाना तो फिर से कौन सा दीपिका के लिए कौन सा याद आ रहा है? एक गाना लास्ट है इसलिए एक गाना, लव मेरा हिट हिट सुनिए तो बेबी बड़ी फिट फिट सुनिए लव मेरा हिट हिट। दीपिका से तो बहुत गाने मेरे यार, 50 साल यशराज फिल्म्स के हो चुके हैं और इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दी, एंड रॉक स्टार डायरेक्टर हमारे साथ में है जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी। और आई थिंक जितने क्वेश्चन थे मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूंगा जाने से पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह इतना प्रेम इतनी मोहब्बत इतना प्यार करते हैं, और मेरी अब उम्र भी ऐसी है 57 दैट आई कैन से थिंग्स टू यंगर पीपल एंड मेक देम बिलीव इन गुडनेस हैप्पीनेस। सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है, हम लोगों से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ा, मेरी साइकिल खड़ी हुई, साइकिल पर बैठ के तेरे पास पहुंचा। बट टू बी ऑनेस्ट जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहाँ पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस। इवन व्हेन आई एम प्लेइंग अ बैड गाय लाइक डर, इवन इफ आई एम प्लेइंग अ बाजीगर, इवन इफ जॉन इज बीइंग बैड इन अ फिल्म, नन ऑफ अस आर बैड, वी आर ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स टू मेक यू हैप्पी। If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ, हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे करेगा बाद में। But we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun, entertainment should be left at that tabka. उसको उससे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। We all are one. There is brotherhood. There is no sisterhood with Deepika, but there is brotherhood. All of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर हैं. मैं शाहरुख खान हूँ. मैं अकबर हूँ. ये जॉन हैं. ये एंथनी हैं. And this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. Hum bhooke hain prem ke. Humko jab wo milta hai aapka, abhi ye, jab se Anurag yahan baithe hain, inhone 28 baar bola, 100 crore, 200 crore, 500 crore, 1000 crore, kitne bhi crore ho jayen. वो जरूरी नहीं है, ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको, आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी हैव टू कीप आर कल्चर, आर ओल्ड स्टोरीज, ऑल दैट इज सीप्ड इनटू दिस कंट्री, अ ब्यूटिफुल कंट्री विच इज इंडिया। वी हैव टू टेल द स्टोरीज इन मॉडर्न वेज, इन डिफरेंट वेज, एंड वेन वी टेल देम इन दोज डिफरेंट वेज, देर इज नो वे वी आर डिराइडिंग एनीबडी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यंगस्टर्स विच हैज चेंज्ड। नाउ डेज दे से लॉल, आई डोंट नो व्हाट ऑल, फोमो, ऑल दोज वर्ड्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड इन आवर लैंग्वेज टू टेल द ओल्ड स्टोरी अगेन सो दे अंडरस्टैंड। सो पठान स्टैंड्स फॉर दैट, आई थिंक सिद्धार्थ स्टैंड्स फॉर दैट, आदित्य चोपड़ा स्टैंड्स फॉर दैट, एंड वी ऑल in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you Siddharth, thank you John, baad mein kis zarur karna mujhko. John ka koi aur gana batao na, main kya hai John ka koi aur hit gana batao main, kaun sa, tell me one song of your film, kaun sa wala mujhe, ha, maa ka lalla bigad gaya, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला, सिट, अ सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म, झूमे जो पठान, चलना चलना, वो तेरी फिल्म नहीं है। कौन, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे?
और कौन करे? अच्छा मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, मैं सिंपल बात बोलता हूँ, देखो आपने मुझे करते हुए देखा, मैंने ठीक किया, आपने दीपिका को करते देखा, लेट्स सी जॉन, जॉन जॉन तो करते हुए नहीं देखा है आपने, जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैक स्टेज में, ये आप देखिए, लेकिन किसी को गाना पड़ेगा, हमारे पास गाना है, आई डोंट नो, शाहरुख खान इज गोइंग टू डांस विद दीपिका, ही शोड मी द स्टेप ऑफ द रॉक, ही सेड जॉन सिंपल है तू ये कर ये कर ये कर ये, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो बिल्कुल मत कर, देख अब मोहब्बत शुरू हो गई तो मेरे साथ नाचना भी पड़ेगा तुझको जॉन, एंड ये हो जाए, और सिद्धार्थ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, वी हैवंट सेड एक्चुअली वी शुड हैव मेंशनड इट, जितना भी फिल्म में एक्शन होता है और जो भी डांस स्टेप होता है, सीन्स तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर करके ही दिखाता है, सिद्धार्थ पहले करता है उसके बाद हम करते हैं, तो आज भी तमीज इसी में होगी, हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे, और जैसे ही वो हमका हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शक बनेंगे, एक एक शर्त पर, आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे, फिर मैं जुमे जो पठान करूंगा, बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे, मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो, जॉन की निक्कर दे, बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनुराग for being so wonderful. I know we can keep on and on because this is not a question answer session. This is not talking about the film. And believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you, Yashraj team and my team and Deepika's team and John's team and Siddharth's team. This is just to come and say thank you very much. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And above all, thank you to God for looking after all of us. because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे. अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डालो. I'll say to this. Because मैंने अब जॉन को देख के I'll say the same dialogue with love. सुनो जॉन, अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार, और पटाखे भी लाएगा. One person who's not here, I think all of us love him more than anyone can. भाई is not here. Thank you, Salman. For making this film so wonderful, I think the second best line in the film is "Painkiller hai chewing gum nahi." I think fantastic lines, and with so much love, sab karenge, beta, sab karenge. Aram se, sabr se kaam karo. Abhi, suno. Abhi to wapas aaya hu, ab kahin nahi ja raha. Beta, baitho. Sahi hai kya? Main sab bhula gaya. And the dialogue of the film, let's hear it. पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा. प्लीज प्ले द सॉन्ग सो सिद्धार्थ एंड जॉन कैन डांस टू इट. या सॉन्ग 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 सॉन्ग. अच्छा गाना जब तक तैयार है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ कम 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 सिद्धार्थ. अरे फोटो 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 फोटो. भाई आप लोग कोई जाइएगा मत, हम लोगों ने खाने का मेन्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लीज आप लोग खाना खा के जाइएगा. अरे वो तो सिर्फ छोटा सा था जी, हाइट ही थी वो तो यार. प्लीज आप लोग खा के जाइएगा अच्छे से. अरे फोटो फोटो फोटो. म्यूजिक तैयार हो तो बताइएगा मुझे. रेडी.